वो किसी का सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन का सरकार था, गलती नहीं कर जाएंगे, करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो देश के इतिहास में कहीं नहीं है। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा। तेजस्वी यादव आज हैं राहुल गांधी के साथ सासाराम में, वहां पर न्याय यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। तेजस्वी यादव ने मंच से अपनी बातों को जब रखा तो नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास नीतीश जी आए थे और उन्होंने कहा कि एक बार गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, अब यहीं रहेंगे, साथ रहेंगे। हम लोग भोले भाले लोग थे, उनकी बातों में आ गए और हमने जो बातें कही थी उस बात को लेकर हम अपना काम कर रहे थे। गरीबों के लिए मकान, युवाओं के लिए रोजगार को लेकर हमने इस सरकार को समर्थन दिया था, नीतीश कुमार को समर्थन दिया था, लेकिन फिर वो फिर चले गए। किसानों की बात तेजस्वी यादव ने कहा कि जब लालू यादव की सरकार थी तब मंडी था, समिति थी, नीतीश कुमार के सरकार के आने के बाद ये सभी चीज़ जो है वो ख़त्म कर दिया गया। हम पहले भी चाहते थे और हमारी अकेले की सरकार नहीं थी, महागठबंधन की सरकार थी, यानी कि जब हमारी अकेले की सरकार बनेगी तो हम मंडी कानून जो ख़त्म हुआ है उसको भी लागू किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है किसानों को जो मिलना चाहिए वो उस हक में उनको मिलेगा। नरेंद्र मोदी पर भी जोरदार हमला किया, उन्होंने कहा कि प्रियंका चोपड़ा से मिल सकते हैं लेकिन जो है वो किसानों से नहीं मिल सकते। ये बात तेजस्वी यादव ने मंच से किया है, किस प्रकार से अपनी तमाम बातों को रखा है उन्होंने, आप खुद सुनिए इस पूरे बयान को। लेकिन आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे हैं, वो किसी का सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन का सरकार था, खुद का नहीं था। और एक हम लोग चाहते थे बड़े लक्ष्य को लेकर के, नीतीश जी ने तो माफी मांगा ही था कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, बात जो है समझ में आता है, चलो कोई नहीं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, जो लोग देश में जहर बोने का काम करते हैं, तो इस बार किसी भी कीमत पे चाहे हमको कितना भी सहना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन नीतीश जी को हम लोग लेकर के चलेंगे और 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को, थके ही हुए हैं ना, चुनावों में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से जाएगा पैसा देने के लिए, हमने बोला था कि रिक्त पदे हैं, साइंटिफिक अध्ययन हम लोगों ने कर रखा था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पदे खाली है, एजेंडा था 10 लाख नौकरी देने का, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो देश के इतिहास में कहीं नहीं है। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी जो है दिया, अब तो तीसरा फेज भी आ गया। और यही नहीं, मुख्यमंत्री जी तो वही